प्रकृति में पॉड स्पीशीजों में पुनरुत्पादन के लिए कई विधियां हैं। बीज, तने पर जट पकड़ना, कंद और कले आदि इनमें से प्रमुख है। बड़ी संख्या में व्यावसायिक पौधों के अलिंगी बहुलीकरण के लिए आधुनिक बागवानी में पौध प्रवर्धन तकनीक लोकप्रिय हो रही है। कलम बांधने की विधि बहुत पुरानी है, लेकिन इसका व्यावसायिक प्रयोग एवं नई तकनीक कुछ दशकों पहले ही प्रारंभ हुए हैं। पौधों के बहुलीकरण के लिए एक अन्य लोकप्रिय विधि है टिश्यू कल्चर, लेकिन इसकी व्यावसायिक सफलता मृदुकाष्ठ पौधों जैसे केला, इलायची, फूल और शोभकारी पौधों में अधिक होती है। अधिकांश पौधे बीजों का उत्पादन करते हैं, तो हमें कलम बांधने की क्या जरूरत है? इस सवाल के जवाब से पहले हम बीज से उत्पन्न छोटी पौध की समस्याओं को समझ लेंगे। पौध पराग का नर भाग बीज बनने के लिए मादा भाग के बीजांड से मिल जाते हैं। जीनों के पुनः संयोजन से अगली पीढ़ी के पौधे अपने मादा पौधों से अलग स्वभाव के होते हैं। अगर संकर परागण है तो यह अंतर अधिक स्पष्ट होता है। इसलिए मीठे आम के पेड़ के पौधे कट्ठा फल दे सकते हैं। श्रेष्ठ कटहल अगली पीढ़ी में बेकार हो सकता है। यह बिल्कुल प्रकृति में मौजूद किस्मवार विविधता के कारण होता है, लेकिन व्यावसायिक बागवानी में अच्छी गुणवत्ता व पैदावार के लिए हमें समान लक्षण वाले पौधे की जरूरत होती है। इसके लिए कलम बांधने की तकनीक हमारी मदद करेगी। बीज से उत्पन्न छोटी पौध फल धारण करने में ज्यादा समय लेती है, लेकिन कलम बांधे पौधे 2-3 सालों में ही फल देना शुरू करते हैं। कलम बांधने का तकनीक का उपयोग कुछ फसलों में कुछ बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जंगली पिपली पर कलम बंधे काली मिर्च झुलसा रोग से बचने के लिए लोकप्रिय है। डॉगरीज नामक एक जंगली अंगूर के पौधे सूखे को सहन कर सकते हैं और जहरीले पदार्थों के अवशोषण से बचते हैं। इस डॉगरीज पर व्यावसायिक किस्मों की कलम बांधने से अंगूर की खेती में क्रांति आई है। कई शोभकारी पौधे बीज उत्पादन नहीं करते और साथ ही तने को कलमों के रूप में लगाने से उनमें जल्दी जड़ें नहीं लगती। ऐसे पौधों के बहुलीकरण के लिए कलम बांधने की तकनीक अनिवार्य है। कई किस्मों के एकीकृत पौधों के उत्पादन में और पुराने पेड़ों के पुनरुज्जीवन के लिए कलम बांधना मददगार है। कलम बांधने का मतलब है एक ही स्पीशीज के दो पौधों को आपस में जोड़ना। अपेक्षित किस्म के पौधे की टहनी को मजबूत जड़ प्रणाली वाली पौध पर कलम बांध दिया जाता है। सामान्यतः दो अलग अलग स्पीशीज जुड़ नहीं जाती, फिर भी नींबू वर्गीय फसल, चीकू, अंगूर और कुछ अन्य स्पीशीजों में इंटरस्पीशीज संयोजन संभव है। कलम बांधना द्विबीजपत्री पौधों तक ही सीमित है। यह एक बीजपत्री पौधों जैसे सुपारी और नारियल में संभव नहीं। कलम बंधे पौधे स्वाभाविक रूप से बौने होते हैं। यह अपनी ऊंचाई की तुलना में ज़्यादा चौड़ाई में फैलता है। इससे कटाई छटाई, छिड़काव, तुड़ाई और अन्य सस्य क्रियाओं में मदद मिलती है। कलम बंधे पौधों में कुछ समस्याएं भी है। कुछ कलम बंधे पौधे पेट के रूप में बढ़ने में असमर्थ होते हैं, जिससे पैदावार प्रभावित होती है। जायफल एवं कोकम में कलम बांधे पौधों के अच्छे पेट बनने हेतु कलम बांधने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रही टहनियों का ही उपयोग करें। अधिकांश स्पीशीजों में कलम बंधे पौधे बड़े पेट के रूप में नहीं बढ़ते, इसलिए ये लकड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होते।
कभी कभी सदृश कलम बंधे पौधे तेज हवा से खराब हो जाते हैं। बिना मुसला जट प्रणाली के एयर लेयर पौधे सूखे के प्रति सहनशील नहीं होते। प्रकंड के आधार पर आप कलम बंधे पौधों के फलों की गुणवत्ता में हल्का अंतर पाएंगे। प्रकंड और कलम के बीच बेमेल के कारण सफलतापूर्वक कलम बांधने पर भी कलम बंधे पौधे उचित प्रकार से बढ़ने में विफल होते हैं। नींबू व अनार में कलम बंधे पौधों में कुछ वायरस जनित और बैक्टीरिया जनित रोग का संक्रमण होता है। फिर भी व्यावसायिक बागवानी में कलम बंधे पौधों की मुख्य भूमिका होती है। कलम बनने की सफलता के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की जरूरती होती है, इसलिए सर्दी और बारिश की मौसम कलम बांधने के लिए उपयुक्त नहीं है। समुद्र तट का स्वाभाविक मौसम इसके लिए अत्यंत उपयुक्त है, इसलिए अधिकांश व्यावसायिक नर्सरियां कलम बांधने के लिए पॉली हाउस का निर्माण करती है, लेकिन मध्यम बारिश वाले क्षेत्रों में कलम बांधने के लिए शेड हाउस पर्याप्त है, क्योंकि बारिश के मौसम में तापमान और आर्द्रता उपयुक्त होते हैं। चलिए अब हम पौधों के प्रवर्धन के लिए पॉली हाउस के बारे में सीखेंगे। पॉली हाउस को उच्च लागत वाला, मध्यम लागत वाला और कम लागत वाला आदि रूपों में बांध सकते हैं। यह फूलों की खेती के लिए बनाया गया उच्च लागत वाला पॉली हाउस है। यह बहुत ही व्यवस्थित और टिकाऊ है, लेकिन केवल प्रवर्धन के उद्देश्य से यह महंगा होता है। इसके लिए प्रति गुंटा 2 लाख का खर्चा होता है। यह एक मध्यम लागत वाला पॉली हाउस है। पॉली शीट को लोहे के कमान में लगाया गया है। इस आकार के कारण हवा से पॉली शीट कम खराब होती है। इस प्रकार के पॉली हाउस के निर्माण की लागत लगभग 75,000 प्रति गुंटा होती है। यह एक कम लागत वाला पॉली हाउस है। इसको स्थानीय रूप से मिलने वाले लकड़ी और बांस के खंभों से बनाया गया है। तकनीकी रूप से यह किसी भी हिसाब से अन्य पॉली हाउस से कम नहीं है, लेकिन पॉली शीट को खंभों के नुकीले अग्रभाग से बचाने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इसको 2-3 सालों में दोबारा बनाना आवश्यक है। इसकी लागत 40,000 प्रति गुंटा होती है। एक गुंटा क्षेत्र के पॉली हाउस में 10,000 पौधे रखे जा सकते हैं। बारिश के मौसम में पॉली हाउस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होती है। पॉली हाउस के अंदर पानी के फुहारे से सर्दी में भी अनुपातिक आर्द्रता 90% तक बढ़ा सकते हैं। गर्मी में दोपहर में पॉली हाउस का दरवाजा खुला रखकर अंदर के तापमान को कम करना आवश्यक है। पॉली हाउस में कलम बांधे पौधों की सफलता दर और वृद्धि उत्कृष्ट पाया गया। शाम को दरवाजा बंद करके रात को पॉली हाउस के अंदर के तापमान को बनाए रख सकते हैं। इन पॉली हाउसों में उपयोग किए जाने वाले पॉली शीट 3 से 5 साल तक रहते हैं। यह अल्ट्रावायलेट मजबूती पॉली शीट सीधी धूप का सहन करता है। दीमक को रोकने के लिए लकड़ी के खंभों पर सीमेंट या कोलतार लगाएं। अपनी पूंजी लगाने की क्षमता के आधार पर पॉली हाउस का चयन करें। कलम बांधे पौधों की अधिक सफलता और इनके बड़े पैमाने पर बहुलीकरण के लिए पॉली हाउस अनिवार्य है। इन पॉली हाउसों के लिए सरकार छूट देती है। यह एक व्यवस्थित शेड हाउस है। कलम बंधे छोटे पौधों के लिए पोषण और मजबूती हेतु कम से कम 2-3 महीने तक आंशिक छाव की आवश्यकता होती है। इस शेड हाउस का निर्माण बहुत आसान एवं व्यवस्थित है। GI पाइप इस ढांचे को सहारा देती है। पाइप के ऊपरी खुले भाग में लकड़ी के टुकड़े से डाट लगा दी जाती है।
शेड नेट में सभी दिशाओं में ड्रिप सिंचाई वाली LLDPE पाइपों को बिछाया जाता है, जिससे शेड नेट की पकड़ मजबूत होती है। यह सहारा हल्के शेड नेट के लिए काफी है। बगल से जमीन तक खींचे GI तार ढांचे को मजबूत रखने के लिए पाइप की मदद करती है। शेड नेट को सभी दिशाओं से गाद दिया जाता है ताकि प्रवेश केवल प्रवेश द्वार से ही हो। क्योंकि शेड नेट में वायु का संचारण होता है, इसलिए हवा से होने वाली खराबी से बच जाता है। इसके निर्माण की लागत थोड़ा ज्यादा है, फिर भी कम से कम 5-6 सालों तक यह मजबूत रहता है। यह शेड हाउस सामान्य नर्सरी के उद्देश्य के लिए भी उपयोगी है। अब हम कलम बांधने के विषय पर चर्चा करेंगे। कलम बांधे पौधों के दो भाग होते हैं। निचला भाग बीज से उत्पन्न छोटी पौध का होता है, जिसको प्रकंद कहते हैं। ऊपरी भाग मादा पौध का होता है, जिसको कलम कहते हैं। प्रकंद मजबूत मूसला जड़ प्रणाली सहित दृढ़ रोग रहित पौध होना चाहिए। आम के कलम बांधे पौधों के लिए जंगली किस्मों की बड़ी गुठलियों को क्यारियों में बोया जाता है। इनसे मजबूत पौध उत्पादन होता है। गुदेदार किस्मों की गुठली और अचार बनाने वाले उद्योगों से प्राप्त परिपक्व गुठलियों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रकंदों के लिए चंपक या रेयॉन बीजों को गमले या पॉलिथीन थैलियों में बोया जाता है। कलम मादा पौधे के नए प्रकार से बढ़ा परिपक्व तना होनी चाहिए। यह प्रसुप्त उभरे वानस्पतिक बाहुल्य दन पूंजी कलिका होनी चाहिए। कलम रोगों व तना छेदक जैसे कीटों से रहित होनी चाहिए। अलग करने के 4 दिन पहले ही मादा पौधे पर ही कलम के पत्तों को काट देना उचित है। पत्तों को हाथ से तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसको ऐसे काट देना चाहिए जैसे कि पत्तों के डंठल तने पर ही रहे। कलम बांधने के लिए ताजी कलमों का ही इस्तेमाल कीजिए। फिर भी इसको एक गीली बोरी में 2 दिनों तक रखा जा सकता है। सभी पद्धतियों में कलम बांधने का तत्व एक जैसा ही है। बराबर काटने के बाद दोनों तनों की केम्बियम कोशिकाओं की परतों को एक साथ बांध दिया जाता है। एक अन्य विधि में स्वतंत्र पौधे प्राप्त होने के लिए तनों पर जड़ लगने को प्रेरित किया जाता है। इस मूल तत्व के आधार पर कलम बांधने की कई विधियां प्रचलित हैं। यह कलम बांधने की बहुत पुरानी विधि है। यह प्रमुख फसलों जैसे आम, चिक्कू, चंपक आदि में प्रचलित है। किसी मादा पौधों की टहनी जो आकार में छोटी पौध के तने के बराबर की हो ले ले। व्यावसायिक पौधशाला में सदृश कलम बांधने के लिए बौने मादा पौधों वाली जमीनी नर्सरी को बनाए रखते हैं। नहीं तो कलम बांधने के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। दोनों तनों को एक साथ लेकर निशान बना दिया जाता है और दोनों को बराबर 2 इंच पर काट दिया जाता है। यह काट तने की मोटाई के 30-40% होनी चाहिए। बराबर काटने के लिए धार वाले चाकू का इस्तेमाल कीजिए। मुंह फटे चाकू का उपयोग कर तनों को खराब न किया जाए। यह कलम बांधने की सभी प्रकार की पद्धतियों में लागू होती है। अब दोनों तनों को एक साथ रखकर प्लास्टिक टेप से बांध दिया जाए। यह टेप कलम के जोड़ के अंदर हवा और पानी के आने को और इनके सूखने को रोकता है।
सदृश कलम बांधने की इस विधि में जूट की धागे से बांधना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों तने मोटे और मजबूत होते हैं। अब इस विधि को एक बार और देखें। जून जुलाई के महीने, जो कि बारिश के मौसम की शुरुआती महीने हैं, सदृश कलम बांधने के लिए उपयुक्त समय है। कलम जुड़ने में 2 से 3 महीने लेती है। इस अवधि के दौरान पौध की सिंचाई करनी चाहिए। यह आसान होगा अगर बारिश ये काम करे तो। सही रूप में जुड़ने के बाद कलम पर जोड़ के नीचे खड़े रूप में काट दिया जाए। 1 सप्ताह बाद एक गहरी काट दिया जाए। इससे कलम की मादा पौधे की साथ की निर्भरता दूर हो जाती है। जोड़ के माध्यम से पौध से कलम पानी एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करना प्रारंभ करती है। तब कलम को मादा पौधे से अलग किया जाए। पौध को कलम की जोड़ के ऊपर से काट दिया जाए। जोड़ के नीचे से प्रकंद पर आने वाले अंकुरों को निकालते रहिए। कलम बांधने के लिए बड़े प्रोरहों को लेने पर सदृश कलम बांधने से बड़े पौधे प्राप्त किया जा सकते हैं, लेकिन इस पद्धति में कम पौधे ही तैयार कर सकते हैं। भारी ऊपरी भाग के कारण सदृश कलम बांधे पौधे मुड़ जाते हैं और जोड़ से टूट जाते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो बड़े पैमाने पर सिंचाई करना बहुत मुश्किल है। इन सभी कारणों से व्यावसायिक नर्सरियों में सदृश कलम बांधने की विधि अपनाई नहीं जाती। यहाँ पर हम एक सामान्य प्लास्टिक की पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। यह गोंद टेप नहीं है। मध्यम मोटाई के नरम लचीले प्लास्टिक को ऐसे मोड़ दिया जाता है और 1 इंच चौड़ाई में काट दिया जाता है। यह प्लास्टिक पट्टी कलम बंधे जोड़ पर हवा और पानी के आने को रोकती है। जोड़ पूर्ण रूप से सही होने पर और पौधे का बढ़ना प्रारंभ होने पर टेप को निकाल दिया जाए, नहीं तो पौधे कस जाते हैं और वृद्धि कम होती है। कभी कभी पौधे मर भी जाते हैं। यह सभी प्रकार के कलम बांधने पर लागू होता है। बड़े पैमाने पर कलम बांधे पौधे तैयार करने वाली व्यावसायिक नर्सरियां गुठली कलम बांधने की विधि अपनाती है। यद्यपि यह एक आसान विधि है, इसकी सफलता कलम बांधने वाले की कुशलता पर निर्भर होती है। गुठली कलम बांधना सामान्य रूप से आम और काजू में अपनाया जाता है। गुठली को ढीली मिट्टी में बोए। अगर कड़क मिट्टी हो तो खींचने पर पौध से मुसला जड़ टूट जाएगी। तांबे के रंग के तरुण पौध को जड़ व गुठली सहित उखाड़ दे। गुठली के 2 से 3 इंच ऊपर से तने को काट दिया जाए।
धारीदार चाकू से 1.5 इंच की पट्टी के रूप में काट करें। 4 इंच लंबी और पेंसिल की मोटाई वाली कलम को ले, कलम की दोनों तरफ ऐसा तिरछा काट दें। कलम को प्रकंद के पट्टी के रूप में कटे स्थान पर रखकर प्लास्टिक की पट्टी से बांध दें। प्रकंद नरम होने के कारण जोड़ की मजबूत पकड़ के लिए केवल प्लास्टिक ही काफी है। जोड़ को ऐसे बांध दिया जाए ताकि अंदर हवा न घुसे। खाद से भरी पॉलिथीन थैली में कलम बांधी इस छोटी पौध को लगाएं। कलम पर एक पॉलिथीन पाउच डालें और इसे पॉली हाउस में रखें। चलिए इस विधि को एक बार और देखिए। खुली जगह में रखी गुठली कलम बंधे पौधे विफल होंगे, लेकिन पॉली हाउस में इसकी सफलता की दर 70-80% है। अगर हरी पत्तियों वाले प्रकंद का इस्तेमाल करने में कलम में कोंपल नहीं आएगा या अंकुरण नहीं होगा, क्यारी से उखाड़ने पर या कलम बांधने के समय गुठली को अलग करने से कलम बंधे पौधे में कोंपल नहीं आएगा या अंकुरण नहीं होगा। कलम में हरी पत्तियां लगने तक कलम बंधे पौधे के भोजन का स्रोत है गुठली। इस कारण ऐसा होता है। सफल कलम में 2-3 सप्ताह में अंकुरण प्रारंभ होता है। तब कलम पर से पॉलिथीन पाउच निकाल दे, जोड़ एकदम सही हो और कलम तेजी से अंकुरित होती है तो प्लास्टिक की पट्टी निकाल दे। जोड़ के नीचे के अंकुरों को निकालते रहिए। गुठली कलम बांधना एक सफल व्यावसायिक विधि है, क्योंकि इस विधि से एक व्यक्ति कई पौधे तैयार कर सकता है। कलम की जोड़ तल पर होती है और पौधे सीधे बढ़ते हैं, लेकिन इस विधि से छोटे पौधे प्राप्त होते हैं जिसको बेचने योग्य आकार पाने में ज्यादा समय और पोषण की जरूरत होती है। इस कारण से हाल ही के वर्षों में गुठली कलम बांधने की लोकप्रियता कम हो रही है। ध्यान दें कि बड़े पैमाने पर गुठली कलम बांधने के लिए पॉलीहाउस अनिवार्य है। इस गुठली कलम बांधने में दोहरा कलम बांधना जैसा एक अन्य विधि है। गुठली से निकलने वाला पौध बहुत ही कमजोर होती है और लगभग कलम की मोटाई का आधा होती है, इसलिए एक ही कलम में 2 पौध को ग्राफ्ट की जाती है। इससे कलम बंधे जोड़ मजबूत होते हैं और पौधे को 2 जड़ प्रणालियां होती है, इसलिए कलम बांधे पौध की वृद्धि बेहतर होगी। इसको छोड़कर कलम बांधने की विधि एक जैसी है। अब कलम बांधने की सबसे अधिक लोकप्रिय विधि मृदुकाष्ठ कलम बांधने के बारे में सीखें। यह विधि आम, चिक्कू, कटहल, काजू, इमली, बैंगन, गुडोल और कई अन्य पौधों में अपनाई जाती है। सबसे पहले आम के एक पौध की कलम बांध लेते हैं। एक मौसम के लिए पौध को पॉलिथीन थैली में उगाएं। पुराने पौधे भी उपयोगी है। कलम पौधे के हरे नर्म या मृदु भाग पर बांध दिया जाता है, इसलिए मृदुकाष्ठ कलम बांधना कहा जाता है।
कलम बांधने की विधि समान है। प्रकरण को तने के हरे भाग के ऊपर से काट दे, नीचे कुछ पत्ते छोड़ दे, डेढ़ से दो इंच लंबी एक पतली पट्टी के रूप में काट दे। कलम की दोनों तरफ इस प्रकार तिरछा काट दे। अब प्रकरण के पट्टी के रूप में काट दिए स्थान पर कलम को रखकर प्लास्टिक की पट्टी से बांध दे। तने नरम होने के कारण जोड़ सही होने के लिए प्लास्टिक काफी है। यह सुनिश्चित करें कि इस पैकिंग के अंदर हवा नहीं घुसती। कलम की जोड़ के नीचे कुछ पत्तों का होना जरूरी है। यह कलम में नए पत्ते आने तक पौधे को भोजन देने के लिए आवश्यक है। कलम पर एक प्लास्टिक की पाउच डाल दे और कलम बांधे इस पौध को अधिक सफलता के लिए पॉलीहाउस में रखे। फिर भी पॉलीहाउस अनिवार्य नहीं है। कलम में अंकुरण आने पर कलम से पाउच निकाल दे। जोड़ सही होने और पौधे अंकुरित होने पर प्लास्टिक की टेप को काट दे, नहीं तो कस कर रहने से पौधा मर जाएगा। अब इस विधि को एक बार और देखिए। कुछ संशोधन के साथ मृदु काष्ठ कलम बांधने को कई रूपों में अपनाया जा रहा है। यह आम की एक अज्ञात किस्म का पौध है। यद्यपि यह अच्छा है, फिर भी इसमें फल लगने में कई साल लगेंगे। हम इसे मृदु काष्ठ कलम बांधने के द्वारा एक अच्छी किस्म बना सकते हैं। 3 से 4 स्वस्थ शाखाओं को छोड़कर बाकी सभी प्ररोहों को काट दिया जाए। एक मृदु काष्ठ भाग पर कलम बांध दे। एक संयुक्त पेड़ बनाने के लिए प्रत्येक शाखा में अलग अलग किस्मों से कलम बांध सकते हैं। कई किसान खेत पर अपेक्षित दूरी पर पौध लगा देते हैं। इन पर मृदु काष्ठ कलम बांधने की विधि से कलम बांध दी जाती है। इसको इनसिटू कलम बांधना कहते हैं। यह विधि ज्यादा सफल होती है और पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। अब मृदु काष्ठ कलम बांधने के एक और उपयोग के बारे में सीखें। इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर आम या काजू के बागानों के पुनर्जीवन या किस्मों को बदलने के लिए किया जाता है। गर्मी में जमीन से 2 से 4 फीट की ऊंचाई पर पेड़ को काट दें। 2 से 3 महीने में इसमें कई कोंपले आएगी। तब मृदु काष्ठ कलम बांधने की विधि से चयनित 5-6 कोंपलों पर कलम बांध दी जाती है। Thank you.
कलम बांधने के बाद कलमों पर पॉलिथीन की थैलियां डालें। कलम बांधे जोड़ जल्दी सही हो जाती है और व्यापक रूप से फैली जट प्रणाली की वजह से शाखाएं तीव्र गति से बढ़ेंगी। ये कलम बंधे पौधों में 2-3 वर्षों में फल लगना शुरू होता है। फिर भी पुराने बड़े पेड़ों को तल से काटने के बाद कोंपले शायद ही आएगी, इसलिए 1.5 फीट व्यास के पेड़ ही इस विधि के लिए उपयुक्त है। यह विधि काजू के पुराने बागानों के रूप बदलने में सफल है। पुराने समय में पुराने आम के पेड़ों को कलम बांधे पौधों में परिवर्तित करने की एक और विधि थी। यहाँ पर कलम पेड़ के मोटे छाल पर बांध दी जाती है, इसलिए इसे छाल कलम बांधना कहते हैं। छाल मोटा और कड़क होने के कारण इसको काटने के लिए छेनी और हथौड़ों की जरूरत होती है। इस प्रकार जमीन से एकदम ऊपर पेड़ के धड़ पर कोण में 2 कट लगाएं। कलम बांधने के लिए छल का छोटा टुकड़ा निकाल दें। छाल को खराब किए बिना ढीला करें। यहाँ पर 8 इंच लंबी और अंगूठे जैसी मोटी कलम का उपयोग करें। कलम पर तिरछा कट लगाएं। कटे छाल का मुंह खोलकर उसमें कलम को धीरे धीरे बिठाएं। नीचे की तरफ जोर से दबाकर कलम को खराब न करें। एक ही धड़ पर 2 कलमें बिठा सकते हैं। छाल को सही स्थान पर रखने देने के लिए रस्सी से इस प्रकार बांध दें। कलम बांधे जोड़ पर हवा व पानी आने को रोकने के लिए काट के निशानों पर गीली मिट्टी लगाएं। इस कलम में 5 से 6 सप्ताहों में कोंपले आने लगती है। 6 महीने अंदर जोड़ सही हो जाएगा और कलम में 2-3 नई पत्तियां आएगी। तब पेड़ को कलम बांधे जोड़ के ऊपर से काट दे। पेड़ को उल्टी दिशा में काट कर गिराएं ताकि अंकुरित कलम खराब न हो। इस कलम को भोजन के लिए संपूर्ण जट प्रणाली से मदद मिलेगी, इसलिए 2-3 सालों में यह बड़ा पेड़ बन जाएगा और फल देने लगेगा। पार्श्व कलम बांधना एक और आसान विधि है जो व्यावसायिक रूप में प्रचलित नहीं है। प्रकंद थैली या गमले में उगाए गए पुराने पौधे होते हैं। 3 इंच की ऊंचाई पर तने पर तिरछा कट लगाएं। कलम को भी सामान्य रूप से काट दें और इसको प्रकंद के छेद पर बिठाएं। कलम बांधे जोड़ की मजबूती के लिए प्लास्टिक टेप से बांधना काफी है। 4 सप्ताह के बाद कलम अंकुरित होने लगते हैं, तब प्रकंद के ऊपरी भाग को जोड़ के ऊपर से काट दें। अमृत, अनार, नींबू, नवनीत फल, गुडोल, रुगमणी या कंगन, मुसंडा, शोभकारी रबड़ और कई अन्य पौधों के तनों पर स्वाभाविक रूप से जड़ें आती हैं, लेकिन ये जड़ें व्यावसायिक रोपाई के लिए स्वतंत्र व सक्षम पौध के उत्पादन के लिए काफ़ी नहीं है। इन तनों पर पर्याप्त जड़ों को उत्प्रेरित करने की व्यवस्थित पद्धति को घूटी बांधना कहते हैं।
अब इस विधि को विस्तार से समझिए। पौधे के किसी भी ऊंचाई पर जड़ें पैदा कर इस विधि को संशोधित किया गया। इसको गुटी बांधना कहते हैं। गुटी बांधने के लिए उंगली के आकार की स्वस्थ टहनी को ले लें। छिलके के चारों ओर चाकू से दो निशान लगाएं और छिलके की रिंग निकाल दें। छिलके के फिर से जुड़ने को रोकने के लिए तने की हरी कोशिका को नोच लें। अधिक जड़ों को उत्प्रेरित करने के लिए 500 ppm गाढ़ तवाले IBA हार्मोन का प्रयोग करें। सामान्यतः जड़ पकड़ने के माध्यम के रूप में स्फैग्नम काई का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक फर्न है जो जंगल के पेड़ों पर उगता है या पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन पर उगता है। यह बहुत ही ढीला माध्यम है जिसकी जल भरण क्षमता ज्यादा होती है। नर्सरी उपकरण बेचने वाले दुकानों में स्फैग्नम काई मिलती है। बुरादे या पाउडर बने जैविक खाद का भी जड़ पकड़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काई बेहतर है। स्फैग्नम काई को गीला कर इसे निचोड़ ले ताकि अतिरिक्त पानी बह जाए, नहीं तो इसे परत के अंदर तना और छिलका सड़ जाता है। गूटी बांधने के निशान के नीचे प्लास्टिक शीट को जूट की धागे से बांध दें। इसको ऊपर की तरफ रखें ताकि इसे पैकेट का आकार मिले। इस पैकेट में गीले स्फैग्नम काई से कसकर भरें। ऊपर के खुले मुंह को बांध दें। कसकर बांधना चाहिए ताकि गुटी बांधी जगह के अंदर हवा न घुसे। पांच छह सप्ताह में इस पर जड़े लगेगी। पर्याप्त जड़े दिखने पर एक सप्ताह के अंतराल में गुटी बांधी जगह के नीचे खड़े रूप में दो कट लगाएं। इसके बाद इसको मादा पेड़ से अलग करें। वाष्पन को कम करने के लिए इसके कच्चे भाग को काट दें, क्योंकि जड़ों को स्थापित करना बाकी है। प्लास्टिक शीट को निकाल दें, इसे पॉलिथीन थैली में लगाएं और छांव में रखें। अनार एवं अमरुद में व्यावसायिक रूप से अपनाई जा रही एकमात्र विधि है गुटी बांधना। अगर पर्याप्त मादा पौधे हैं तो हम कई संख्या में गुटियां तैयार कर सकते हैं। पौधों के बहुलीकरण के लिए गुटी बांधना बहुत ही आसान एवं सस्ती विधि है। अगर पर्याप्त रूप में जड़ नहीं लगी तो अलग करने के बाद पौधे मर जाते हैं। यह माना जाता है कि मुसला जड़ प्रणाली नहीं होने के कारण गुटी बांधे पौधे सूखे को झेल नहीं सकते, लेकिन आजकल बागानों में सिंचाई के पर्याप्त सुविधाएं होती है, इसलिए पौधों के प्रवर्धन के लिए गुटी बांधना एक लोकप्रिय विधि हो गई है। अब कलम बांधने की नाजुक विधि, जिसको मुकुलन या कलिका रोपण कहते हैं, सीखें। यह गुलाब के बहुलीकरण के लिए इस्तेमाल की जा रही एकमात्र व्यावसायिक विधि है। रबर, नींबू, बरफल और कई अन्य पौधों में मुकुलन को अपनाया जा रहा है। छिलके को खोलने के आकार के आधार पर इसे आई मुकुलन, टी मुकुलन या पैबंद मुकुलन कहा जाता है। अब गुलाब के पौधे का मुकुलन करें। गुलाब की व्यावसायिक किस्मों के तनों, जिनका कलमों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, में सही रूप में जड़ नहीं लगती, इसलिए प्रकंद रूप में न फूलने वाली जंगली किस्म डॉग रोज का इस्तेमाल किया जाता है। डॉग रोज की कलमों को खेत में या पॉलिथीन थैलों में लगाया जाता है।
गुलाब की अपेक्षित किस्म से कलम का चयन करें। छड़ी पर सूखे फूलों के नीचे स्वस्थ, ताजी एवं उभरी वानस्पतिक मुकुल देखे जा सकते हैं। कलम की पत्तियां को काट दें, लेकिन हाथ से तोड़ना नहीं चाहिए। चयनित मुकुल को पत्ते के डंठल एवं अंदर के तने के छोटे भाग के साथ में निकाल दें। अब तने के भाग को सावधानी से अंदर निकाल दें। यह मुकुल कलम बांधने के लिए तैयार हो गया। यह सुनिश्चित करें कि मुकुल सूखे नहीं। केवल एक नर्म व ताजा प्ररोह को छोड़कर डॉग रोज के अन्य प्ररोहों को काट दें। आसानी से मुकुलन करने के लिए कांटे निकाल दें। चाकू की नोक से प्ररोह के छिलके पर 1.5 इंच लंबा निशान लगाएं। खराब किए बिना छिलके को ढीला करें। मुकुल को इसके छिलके के भाग सहित अंदर बिठाएं। मुकुल खुला छोड़कर प्लास्टिक की पट्टी से कसकर बांध दें ताकि हवा अंदर न घुसे। कलम बांधे मुकुल में कोंपले आने के लिए 3 से 4 सप्ताह लगेंगे। मुकुलित जोड़ पूर्ण रूप से सही होने और मुकुल हरे प्ररोह के रूप में बढ़ने के समय डॉग रोज प्ररोह को मुकुलित जोड़ के ऊपर से काट दें। मुकुलित जोड़ के नीचे आने वाले अंकुरों को निकालते रहिए। व्यावसायिक गुलाब नर्सरियां डॉग रोज कलमों को पॉलिथीन थैलियों में लगाती है। सफल मुकुल को खेत से पॉलिथीन की थैलियों में बदली कर सकते हैं। मुकुलन आसान विधि है, लेकिन इसकी सफलता की दर यह कार्य करने वाले की कुशलता पर निर्भर होती है। कलम का भाग बहुत छोटा होने के कारण सभी मौसम में हम मुकुलन कर सकते हैं। किसान या शौकिया बागबान कलम बांधने की कला को आसानी से अपना सकते हैं। व्यावसायिक नर्सरियां पौधों की कुछ लोकप्रिय किस्मों को ही बेचती है। बेचने की कीमत भी ज़्यादा होती है। कलम बंधे पौधों की कीमत में परिवहन की लागत भी जुड़ जाती है। कलम बांधने की ये कला अगर हम सीखेंगे तो अपनी आवश्यकतानुसार पौधे या किस्म का हम प्रवर्धन कर सकते हैं। एक सहायक काम के रूप में कलम बांधने की नर्सरी लगाने से आकर्षक आय प्राप्त हो सकती है। खेती का मूल कौशल है कलम बांधना। अगर किसानों ने यह कुशलता प्राप्त नहीं की तो उनकी शिक्षा अपूर्ण है।